मम्मी के ही नजर नहीं आ रही। ओरे ओरे दीदी, पम्मी जो मैंने तुझे काम कहा था वो किया कि नहीं किया? अरे बीजी मुझे कौन सा काम बोला था आपने? वो तुझे बोला था ना प्रसाद बनाने को। बीजी मुझे कब बोला था आपने प्रसाद बनाने को? इसने प्रसाद बनाया भी होगा और खुद खा भी लिया होगा। दासी दासी वो काम मेरे पास में है, मैंने दादी को बताया भी था। पूरे 56 प्रकार के पकवान तैयार है भगवान के भोग के लिए। अच्छा बेटा, दीदी आप है ना चल के थोड़ा सा आराम कर लो, खुशी के मारे ना आप बहुत सारी बातें भूल रहे। और दादी दादी आप कुछ याद रखो या ना रखो, एक बात याद रखना कि ये जो पूजा हो रही है ना ये अभी और प्रज्ञा के लिए हो रही है। हाँ तो ऐसा ना हो आप भूल करके मम्मी पापा को पूजा में डाल दो। आलिया आर यू श्योर अबाउट दिस मनी कि वो ये पूजा खराब करेगी? आई मीन कहीं उसने हमारा प्लान खराब कर दिया तो? उसकी दुखती रथ पर हाथ रखा हुआ है मैंने, इसलिए जैसा हम बोलेंगे वो वैसा ही करेगी। वैसे भी बेचारी अगर कुछ गलत करने का सोचे भी तो नहीं कर पाएगी। वैसे उसने बताया कि वो पूजा कैसे खराब करेगी? ये तो मैंने भी नहीं सोचा। मैं भी सोचती हूँ कि इस पूजा को कैसे खराब किया जा सकता है और पूरी फैमिली का भी मूड कैसे खराब कर सकते हैं। मैं भी सोचती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। कौन देगा उसे अपना नाम? घर में भी ना रख सके और दाग लगने के बाद तो घर में रखना और मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटेंगे और कैसे उसका बोझ उठाएंगे। अरे बुआ जी आप रोइए मत, देखिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बुआ जी मेरे बड़े भाई है ना पूरा सिंह चौटाला, राजनीति में हूँ और वो जनता के सेवक हैं। जब मेरे भाई जनता के सेवक हुए तो मैं भी सेवक हुआ ना। वो लोगों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझते हैं क्योंकि मैं आपकी परेशानी को अपनी परेशानी नहीं समझ सकता। हाँ बुआ जी, देखिए आपकी बेटी के माथे पर लगा कलंक तो ना धो पाएंगे। और बुआ जी अगर आपकी इजाजत हो ना और बाबूजी का आशीर्वाद हो तो एक काम कर सकते हैं, आपकी बेटी ने अपना नाम दूंगा मैं, शादी करूंगा उससे मैं, आप बस मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। क्या कह रहे हो आप? आप हमारी दिशा से शादी करोगे? हाँ बुआ जी मैं करूंगा दिशा से शादी। अब देखो आप इतने भले लोग, मेरी वजह से आपके घर में तमाशा हो गया ना, अब मैं गलत ना होने दूंगा। जो आपका बोझ है ना उसे अपनी जिम्मेदारी बनाऊंगा। अब देखिए दिशा को मैं अपना नाम दूंगा, शादी करूंगा उससे मैं। बहुत बड़ी बात कर दी आपने बेटा जी, बहुत बड़ी बात कर दी। आप दिशा से शादी करोगे? मतलब हमारे को तो यकीन ही नहीं आ रहा ये सच है कि झूठ। आप हमारी दिशा से शादी करोगे ये जानने के बावजूद कि उसने क्या किया है? ये क्या किया कान्हा जी आपने? जो मांगा तो बिल्कुल उसका उल्टा दिया है, पर जो हुआ अच्छा ही हुआ। उस निकम्मे और डरपोक प्रदीप से मेरी शादी नहीं हुई। उसे देखो पूरब को, मुझे जानता तक नहीं है पर जान पर खेल गया मुझे बचाने के लिए। पता नहीं अब मेरी शादी होगी भी या नहीं, पर कान्हा जी अगर मेरी कभी शादी हुई ना तो पूरब जैसे किसी लड़के से कराना। बेचारा मेरी वजह से कितनी बुरी मुसीबत में फंस गया है वो। प्लीज कान्हा जी उसे कुछ मत होने देना, मेरी वजह से उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कौन है तुम? तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? कमरे में तो क्या, मैं तो तुम्हारी जिंदगी में आ चुका हूं, रोक सको तो रोक लो। देखो ये मेरा घर है और यहां तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, चलो निकलो यहां से। अगर दरवाजा बंद करने जा रही हो तो मैं बंद किए देता हूं। मेरे पापा को अगर पता चल गया ना। बाबूजी ने तो कहा है मुझे, बाबूजी की क्या बात कर रही हो, उन्होंने तो भेजा मुझे। उन्होंने तुम्हें यहां भेजा है? हाँ, खुशी खुशी। तुम झूठ बोल रहे हो। सच झूठ की बातें छोड़ो, खुशखबरी है
जब मैं वहां गया ना, वो रो रहे थे, कह रहे थे कि हमारी लाइफ खराब हो गई। पता मैंने क्या कहा? कहा कि अपना बोझ मेरे कंधों पर डाल दो। मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने कहा तुम्हारे बाबूजी से कि मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी, वो भी आज अभी और उसी मंडप में। क्या? जो चीज मुझसे दूर भागती है ना, वो मेरी जिद बन जाती है। अब देखना, तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। अब बोलो, अब दिशा किस दिशा की ओर भागेगी, किसे अपनी मदद के लिए बुलाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उंगली ना संभाल के रखो, अभी इसमें बहुत रईस लोगों को नचाना है ना तुमको, और जो तुम्हारा है नहीं उस पर इतराओ नहीं। वो अगर तुम्हारा होता तो पिरंगिया से प्रेम नहीं करता। स्टॉप इट बोथ ऑफ यू, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। और एक बात, पल्लू में गांठ, पल्लू तो है ही नहीं तुम्हारे पास। कान खोलकर याद रख लो, हम यहाँ काम करने आए हैं मजबूरी में, किसी पे डोरा डालने नहीं आए। काम करेंगे यहाँ से चले जाएंगे, तो हमारे चरित्र पे लांछन मत लगाना तुम दोनों, समझी? और फिर से जो ऐसा लांछन लगाए ना हम पे, ऐसा दाग डालेंगे ना मुंह पे, मेकअप से भी नहीं छुपेगा, समझी कि नहीं समझी? How dare you touch my finger? Stop it both of you. हट हो गई यार। आपस में ही लड़ती रहोगी तो हम अपने मकसद में कैसे जीतेंगे? इस हिसाब से तो ना पूरा प्लान ही फ्लॉप कर दोगी तुम दोनों के दोनों। लड़ना बंद करो और जो काम करने तुम यहाँ पर आई हो ना मुन्नी, वो काम करो। सबकी नजरों में बुरा बनना है ना तो जाओ इस चक्कर इस पूजा को फ्लॉप करो। हम मना किए हैं, तुम बताओ ना क्या प्लान है। प्लान क्या बताना है? तुम्हें नीचे जाना है और जो अखंड ज्योत का दिया है ना उसे जाके बुझा देना। तुम जैसे वो दिया जाके बुझा दोगी सबको आग लग जाएगी। यू नो किसी भी पूजा में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है अखंड ज्योत का दिया। अगर वही बुझ गया तो पूजा किस चीज की? और तुम बन जाओगी सबकी नजरों में बुरी, और तुम बन रही हो हमारी नजर में एक नंबर की बेवकूफ। बकवास आइडिया है, बिल्कुल मत कर। क्या हो जाएगा अखंड ज्योत बुझा कर? दोबारा जला लेंगे। देखो मुनि, तुम्हें पूजा में जाकर एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ना पड़ेगा। बॉम्ब भी हम नहीं फोड़ेंगे, ठीक है? किसी आग बिग में हम मर मरा गए तो क्या होगा? देखो ये सब प्लान एकदम बंडल प्लान है, ये सब में हम नहीं करेंगे। पूरी बात तो सुन लिया करो यार, बॉम्ब फोड़ने का मतलब ये नहीं असली में बॉम्ब फोड़ना है तुम्हें। तुम्हें तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसका धमाका एक बॉम्ब के धमाके की तरह, और पूजा कैंसिल हो जाए। करना क्या होगा वो बताओ। पहले तुम ये बताओ कि हिंदू पूजा में सबसे पवित्र चीज क्या होती है? पंडित जी ने क्या कहा? अरे दादी, जब मैं यहाँ पर था ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा पंडित जी क्या कह रहे थे? मैं बताती हूँ। पंडित जी ने कहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, क्योंकि आज के दिन अगर तुम दोनों पूजा करोगे ना तो तुम दोनों का जो रिश्ता है ना उसमें जो परेशानियां आती हैं छोटी मोटी वो सब हट जाएगी, और प्रज्ञा पर बुरी नजर जो लगी हुई है वो भी खत्म हो जाएगी, और तो और प्रज्ञा अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब पंडित जी, ऐसा करने से ये सब कुछ होगा? जी हाँ, वर्षों बाद ही ऐसा शुभ मुहूर्त आता है, और इस शुभ मुहूर्त में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। हाँ तो फिर मैं पूजा करने के लिए फुल्ली तैयार हूँ। देखा दीदी, प्रज्ञा का नाम सुनते ही पूजा करने के लिए तैयार हो गया। दासी, प्रज्ञा के लिए तो मैं हिमालय पर जाकर बैठ जाऊंगा, फिर ये पूजा क्या चीज है? हाँ पंडित जी। दादी, ये प्रज्ञा अभी तक आई क्यों नहीं, कहाँ है वो? वो ना अभी आती होगी। और तुम्हें पता है आज प्रज्ञा को तैयार मैंने किया है, उसका मेकअप किया मैंने, और दादी ने साड़ी दी थी उसके लिए वो भी उसे पहनाई, बहुत प्यारी लग रही है। हाँ थैंक यू भाभी। वो देखो प्रज्ञा तो आ गई। अगर ये आयला और तनु का बात मान के हम पूजा में कुछ गड़बड़ कर दें और वो दादी की तबीयत को कुछ हो गया तो? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।